सबसे पहले तो आपको यूनिट वगैरह सेट कर देनी है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ। यूनिट कमांड लगाई आपने, यूनिट जो मैंने यहाँ पर रखेगी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग यूनिट रखी मैंने। फिर आप इसमें लिमिट भी सेट कर दीजिए, LIM कमांड लगाएंगे, लिमिट लिमिट जो मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 12 फीट कॉमा 9 फीट। ये लिमिट जो होती है ना, अपने यूज के अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हैं। देखो अब हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है वो तो 0.0 रहेगा हमारा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0.0 एंटर। अपर राइट कॉर्नर यहाँ पे हम दे देंगे 12 फीट कॉमा 9 फीट एंटर। अब जेड यानी जूम होता है और ए का मतलब ऑल स्क्रीन, जूम ऑल, ठीक है ना, जूम ऑल करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कोई भी नया ऑब्जेक्ट देखते हैं, मैं जैसे कि यहाँ पे क्रोम पे चल के कोई डिजाइन देखता हूँ, कोई भी डिजाइन ले लेते हैं। जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ अम्ब्रेला, ये वाला सेव हम बना सकते हैं, ये बन जाता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सर्कल लेंगे, सर्कल मैंने सेंटर से सर्कल लिया, सर्कल की रेडियस जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3 फीट, 3 फीट ही है ना, ओवरऑल 6 फीट हो जाएगा। अब आपको 3D में जाना है, टेस्ट व्यू, टेस्ट व्यू दे करके SW होता है साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट दिया। अब आपको यहाँ पर UCS कमांड लगानी है, UCS आपको X एक्सिस में 90 डिग्री घुमाना है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको वापस एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ यहाँ से करेंगे, इधर ले लूंगा मैं डायमेंशन F8 ऑन करा मैंने, इधर ले लेता हूँ मैं 3 फीट, और इसी लाइन से आपको ऊपर लाइन लेनी है, वो भी लेनी है 3 फीट, ठीक है। अब आपको आर्क बनाना है, आर्क ARC कमांड, F8 बंद रख दीजिए, ठीक है। आपको ज्यादा कर्व लग रहा है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर यहां से वापस छोटा एक आर्क ले लीजिए, यहाँ पर ये बनाया। इसके बाद आपको UCS जो होता है वापस, उस UCS को आपको वापस डिफॉल्ट करना है, UCS एंटर एंटर, वापस आपके वर्ल्ड पोजीशन में चला जाएगा। अब आपको कमांड लगानी है, उसका नाम है DSAR, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करना है यहाँ पोलर, पोलर में बेस पॉइंट में ये रखूंगा और नंबर ऑफ आइटम दे दूंगा 3, एंटर। एंगल जो दूंगा वो मैं दूंगा 60 डिग्री, एंटर, एक और एंटर। तो आपका एरिया जो होगा पोलर वाला वो इतना ही होगा, तो इस तरीके, ठीक है ना। देखो ये हम इस पोलर एरिया से भी कर सकते हैं और इसको हम रोटेट से भी कर सकते, दोनों तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल की जो रेडियस रखता हूं वो रख रहा हूं 0.5। अब इस सर्कल को मैं इसको इस जो ये आर्क वाला पाथ है ना, ये वाला, इसके ऊपर स्वीप करवाना है, SW सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ये स्वीप हो गया। आप टेप लगाकर चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसके बाद इससे थोड़ा छोटा सर्किल, इस सर्कल की जो रेडियस है ना मैं ले लूंगा 0.30, SW एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और इसको इसमें स्वीप करवा दें, ठीक है ना।
ये करने का आपको कमांड लगानी है व्यूरेज, व्यूरेज कमांड लगानी है यहाँ पर, यस करना है। और आपको यह एंटर द सर्कल जूम परसेंटेज यहाँ पर जितना इसमें मैक्सिमम जो वैल्यूज दे रखी है वो यहाँ पर आपको यूज करनी है। एंटर जेड, एंटर ए एंटर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में आपको एक स्पीयर चाहिए, कमांड है स्पीयर, है ना। स्पीयर कमांड लगानी है, सेंटर पॉइंट ये देना है और रेडियस देनी है आपको ये वाला। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। अब आपको इन तीनों को कर देना है यूनियन, UNI, सेलेक्ट 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 एंटर। ये होने के बाद आपको इस जगह पर आपको यूज करना है, उसका नाम है लॉक। लॉक कमांड होगी हमारी, लॉक कमांड लगाई, सेलेक्ट इस ऑब्जेक्ट को करेंगे। और आप इससे किस ऑब्जेक्ट में आपको जाना है, सेकेंड लॉकिंग किस पे कराना है, तो इस ऑब्जेक्ट पर हो गई। अब मैं एक को इस तरीके से कर सकता हूँ, पाथ हमारे पास है नहीं तो इसको मैंने लॉक करवा दिया। अब मेरे को ये सही नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर एक आर्क बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लॉक करवाऊंगा, LOFT लॉक, फर्स्ट सेकेंड एंटर और पाथ। पाथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी, बट ये ले नहीं रहा क्योंकि 3D में ना, 3D में अभी लेगा नहीं है। तो आपको नॉर्मली जो हो रहा है उसी तरीके से कर देना है। कमांड लगानी है LOFT लॉक, सेलेक्ट इसको, दोनों को कर दो एंटर, एक और एंटर कर दो। अब इस ऑब्जेक्ट को आप डबल क्लिक करके यहां से आपको यू आइसो लाइन को जीरो कर देंगे और वी आइसो लाइन को भी जीरो कर देंगे। मेंटेनेंस असिस्टेंट को जरूरी नहीं, रिमूव कर देंगे। चलो रिमूव कर देता हूँ, किस तरीके से दिखेगा, नन करूंगा तो नहीं, आप कर देना इसको रिमूव और ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा, ठीक है ना। अब आप अगर चाहो तो इस वाले पार्ट पे भी स्वीप करवा सकते हैं। ये व्यू कौन सा हमारा, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी वाले को मैं कर देता हूँ आइसोलेट। आप फ्रंट व्यू में जाइए, टेस्ट व्यू, FRNT फ्रंट लिखते ही ये फ्रंट व्यू में चला जाएगा। अब आपको यहां से लाइन नीचे लेंगे, पहले थोड़ी सी 6 इंच नीचे लेता हूं, फिर आपको यहां से है ना आर्क लेना है, आर्क भी आपको एकदम फिलेट होना चाहिए। फिलेट कमांड रेडियस से भी आप स्मूथ दे सकते हैं, ज्यादा इसमें रेडियस काम आ नहीं रही तो आप थोड़ा सा इसको नीचे ले लें इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया, इन दोनों को जे एंटर से ज्वाइन, इस पूरे को ही ज्वाइन कर दो एक बार, तो पूरा अलग अलग है, सब ज्वाइन हो गया, ये सिंगल अपडेट हो गया। टेस्ट व्यू, SW एंटर, UCS वापस डिफॉल्ट करना है। यहाँ पर आपको सर्कल लेना है वही 1.5 का, SW एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और सेलेक्ट इसको कर लो, हो गया ये। यहाँ पर भी आपको स्पीयर लगाना है, इसको आपको यूनियन करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर, यूनियन हो गया, ये डिलीट कर दीजिए। अब जो आपने हाइड करेगा उसको अनहाइड करना है, या अन आइसोलेशन भी कर सकते हो। ये आ गया इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट में मटेरियल यूज करूंगा, मटेरियल के लिए कमांड है MAT, मटेरियल, मटेरियल कमांड लगानी है आपको। यहाँ पर इस होम पे क्लिक करोगे, इस लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लेना है मेटल,
मेटल में मैं लेता हूं यहां से स्टील, आप दूसरा भी ले सकते हो ना, जरूरी नहीं स्टील, मैं ये ले लेता हूँ स्टेनलेस स्टील, इस पे भी सेम लेना है तो यहां पर भी अप्लाई कर दो। और इस वाले पे मैं लेना चाहता हूं फैब्रिक, फैब्रिक ले लो, प्लास्टिक जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं ना, यहाँ फैब्रिक ऑप्शन आएगा। लेदर चाहिए तो लेदर पे क्लिक करो, लेदर आ जाएंगे। इस तरीके से ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जो अच्छा लगे ना, जरूरी नहीं है आपको, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैंने एक बार ये ले लिया, आप चेंज भी कर देना, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को वही रखना, आपको सेम सेम, मैंने ये लगा दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का करूंगा टेस्ट, ए आर एरे करूंगा, आप चाहो तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये तो वैसे इसके साथ साथ आते रहेंगे। कमांड लगाता हूं मैं यहाँ पर, टेस्ट ए आर सेलेक्ट, इसको मैं सेलेक्ट एंटर, बॉलर सेंटर पॉइंट ये रहेगा, नंबर ऑफ आइटम देंगे 12, एंटर 360 में घुमाना, एंटर रोटेट ऑब्जेक्ट करने हैं तो यस। ठीक है, इसको आप, ये जो मैंने हैंडल बनाया इसको बड़ा बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं है छोटा ही थी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको इन सब में अलग अलग मटेरियल यूज करना है तो MAT में जाओगे तो अलग अलग मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे इसमें मेरे को ये लगाना है, इसमें मेरे को ब्लू लगा दिया था, इसमें मेरे को व्हाइट लगाना है, इसमें मेरे को ये लगाना है, इसमें ये, इस वाले में ये, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ये लगा दिए, एक अभी कम कम हो रहा है तो मैं एक और यूज कर लूंगा, तो इशारे में हो गई जो कम, कोई नहीं हो रहा। अब आपको कमांड लगानी है MA मैथ प्रॉपर्टी सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लो, ये इसमें अप्लाई हो गया, सेलेक्ट इसको सेलेक्ट कर लो, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा, सेलेक्ट ये इस पर अप्लाई हो जाएगा, सेलेक्ट ये इस पर अप्लाई कर दो, सेलेक्ट ये इस पर अप्लाई कर दो, इस तरीके। ये वाला थोड़ा अलग दिख रहा है, बराबर है ना, यहाँ पर आ गया ना, सब बराबर है ना। हाँ, मैं अब आपको यहाँ से व्यू लेना है, वो रियलिस्टिक लेना है, तो आपको इस तरीके से ये दिखेगा। ओके, ठीक है, F7 से ग्रिड बंद कर दीजिए, ग्रिड अगर आप इसका रेंडर देखोगे, रेंडर रेंडर के लिए कमांड होती है रेंडर प्रीसेट, रेंडर एनवायरनमेंट, यहां से एनवायरनमेंट में ऑन कर देता हूं, यहां से ले लेता हूं मैं, अपने यूज के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सेम का सेम ही प्लाजो ले सकते हैं, विलेज का ले सकते हैं, पीछे विलेज का लोगे तो यहाँ पर आपको कस्टम व्यू में जाकर भी आपको पर्सपेक्टिव करना पड़ेगा। अब देखो पर बादल वगैरह दिख रहे हैं, मकान बने हुए भी दिख रहे हैं, तो ये रेंडर एनवायरनमेंट में होता है ना, रेंडर एनवायरनमेंट, यहां से मैं चेंज कर देता हूँ, लाइट वाला ले लेता हूँ, ग्रीड लाइट वाला ले लेता हूँ, वार्म लाइट वाला ले लेता हूँ, सब लाइट वाला ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते, ठीक है ना, ये ले लीजिए, जरूरी नहीं तो मैं लेता हूँ यहाँ से विलेज वाला। एक्सपोजर जितना रखा था उतना ही आपको व्हाइट बैलेंस भी रखना होता है,
अब रेंडर प्रीसेट क्वालिटी जो है ना वो मैं यहाँ से ज्यादा नहीं लेता हूँ, अभी HDTV लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, टाइम लेता है। अभी क्लोज करो, रेंडर निकालना है तो डबल आर एंटर। रेंडर एक प्रकार का रियलिटी होगी, रेंडर एक इमेज निकाल सकते हो जी, प्रोजेक्ट आप बनाए होते इसकी। मैंने इतनी क्वालिटी दी, आप बढ़ा भी सकते हो, अच्छा प्रोसेसर आता सिस्टम हो तो ठीक है, जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना अच्छा रेंडर निकालेगा। जो हमने जो मेटेरियल लगाया था उसमें तो ये दिख रहा था पूरा ब्लैक ब्लैक, और यहाँ पर आपको सही दिख रहा है, इस इमेज में आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा नहीं है, अब इसमें स्टील दिख रहा है प्योर। ये फाइनल हो गया, अब इसके आप इमेज यहाँ से सेव कर, डेस्कटॉप पे आपको जहाँ चाहिए PNG JPG जो चाहिए वो यहाँ से हाई क्वालिटी में सेव करो, ठीक है। नहीं।